हरे कृष्णा। चलो आज दक्षिण के स्पंदनों के बारे में पहचान कर लेंगे। पारंपरिक सूत्र के अनुसार दक्षिण प्लवना पृथ्वी नराणाम मृतिदा भवेत। इसका मतलब है जिस भवन में दक्षिण दिशा के स्पंदनों का आक्रमण होता है उस भवन में पिता का या संतति में खास तौर पर पुरुष संतति का मृत्युतुल्य पीड़ा होने का अनुभव होने की संभावना है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा अपराजित पृच्छा का सूत्र भी आपको मालूम है कि नश्यन्ति पुरुषास्तत्र देवता च प्रणश्यति धनहानि करोति नित्यं रोगकृत दक्षिण प्लवः। तो जहाँ भी दक्षिण दिशा से तरंगों का आक्रमण होता है ऐसी स्थिति में दक्षिण से जुड़ी हुई जो विक्षेप देवता है विकट तथा मध्यम डिवीजन से मध्यम पद से यम देवता और विकट का आक्रमण जब भवन पर रहता है तब जाके इस प्रकार से प्रीमैच्योर डेथ जिसको कहते हैं अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं उसका अनुभव उस भवन में होने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में ऐसे भवन में विशेषतः दक्षिण दिशा में बड़ा प्रांगण रहता है या दक्षिण दिशा में बोरवेल कूप या दक्षिण में टेरेस या रूफ का स्लोप जो है वो दक्षिण की तरफ होना बृहद प्रांगण दक्षिण में होना इस प्रकार के खास तौर पर दोष रहते हैं। उसी से थोड़े शिथिल दोष अगर हम कहते हैं तो दक्षिण प्रभाग से अधिकतर प्रकाश की ऊर्जा का संवहन भवन में हो जाता है। जब भी दक्षिण से प्रकाश का संवहन रहता है तो उत्तर से चलने वाली स्वाभाविक प्राकृतिक जो जैविक ऊर्जा है वो जैविक ऊर्जा और दक्षिण से चलने वाली प्रकाश की ऊर्जा इनका एक तरीके से युद्ध एक तरीके से संगर हो जाता है। तो ऐसा संगर दो प्रमुख ऊर्जाओं का जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर शिव तांडव स्वरूप स्थिति का निर्माण होता है। और शिव तांडव का मतलब ही है कि यम ऊर्जा का प्रभाव ऐसे ही भवन में बढ़ता है और वहाँ पर अनैसर्गिक मृत्यु होने की संभावना रहती है। इस प्रकार से ये दक्षिण की ऊर्जा का एक अलग ही प्रभाव भवन शास्त्र में दिखाई देता है। इसीलिए दक्षिण दिशा में प्रबल पृथ्वी तत्व होना एक अत्यंत आवश्यक नियम है समझो। जिस भवन में दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्व जड़त्व गुरुत्व रहता है ऐसे भवन में प्राकृतिक तरीके से आकाश प्रकाश और ऊर्जा का संवहन आकाश प्रकाश ऊर्जा के स्पंदनों का विसर्जन इस पृथ्वी तत्व में होने के कारण एक तरह से दक्षिण दिशा मौन हो जाती है। दक्षिण दिशा जब मौन हो जाती है तो उत्तर से चलने वाली जैविक ऊर्जा का प्रभाव भवन में बढ़ता है जिससे चंद्र ईड़ा नाड़ी जुड़ी हुई है और जिसके कारण भवन में स्थैर्य क्षेम आयु मांगल्य और कल्याण जैसी पंच परमेष्टि का अनुभव होता है। इस प्रकार से पारंपरिक वास्तुशास्त्र में लिखा गया है और इसी प्रकार से अनुभव भी जीवन में सम्मिलित हो जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय गुरुदेव।